स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां आपको बिहार के साथ साथ देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या, ये जानते हैं आज बिहार की बड़ी खबरों को। पूर्णिया में एयरपोर्ट अथॉरिटी मांग रही जमीन, लोग पूछ रहे कब पूरा होगा उड़ान का अरमान। पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डे से संयुक्त परिचालन के निमित्त सिविल इंक्लेव एवं संपर्क पथ के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 52 एकड़ के अलावा 16 एकड़ जमीन की मांग जिला प्रशासन के समक्ष रख दी है, जबकि उड़ान के अरमान के लिए लोग लंबे समय से सपना सजोए बैठे हैं। 2014 से ही पूर्णिया एयरपोर्ट में उड़ान का मामला लाइमलाइट में है। इसके मद्देनजर आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक बैठक हुई, जिसमें युवाओं और समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने पूर्णिया एयरपोर्ट के वर्षों से लंबित काम को सरकार और संबंधित विभागों से तेज गति दिलवाने हेतु भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। खुले मैदान में पहली बार बुद्धिजीवियों ने बैठक कर इस पर मंत्रणा की। बैठक में आगामी 8 अगस्त के दिन रविवार को सुबह 9 से दिन के 1 बजे तक पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाने का निर्णय लिया गया है, ताकि जनता की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सके। विश्वविद्यालयों की महिला प्राध्यापकों को मिलेगा सेवा काल में 730 दिनों का अवकाश। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में महिला प्राध्यापकों को भी अन्य महिला कर्मियों के समान 730 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मंगलवार को विधानसभा में जनक सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का विधानसभा में जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य सरकार की नौकरियों में यह प्रावधान पहले से लागू है। वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री नेतृत्व में महिला कर्मियों को अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार के तहत काम करने वाली जितनी महिला कर्मचारी हैं, उनको पूरी सेवा काल में 2 बच्चों की देखभाल के लिए कुल 730 दिनों का अवकाश दिया जाता है। आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र का दावा, बिहार में खेला शुरू, 15 अगस्त को तेजस्वी यादव फहराएंगे गांधी मैदान में झंडा। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के मामले पर जब पत्रकारों ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में राजद विधायक भाई वीरेंद्र से बातचीत की, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में खेला शुरू हो गया है, अब पूरी संभावना है कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी भी बात को तथ्य के आधार पर कहते हैं। बिहार सरकार में अंदरूनी कलह शुरू है, एनडीए में एकजुटता नहीं है, इसका खुलासा मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि हम तो मुकेश सहनी को सलाह देंगे कि वह महागठबंधन में आए, जहां उनकी बात को सुना नहीं जा रहा और उन्हें घुटन हो रही है, वैसी पार्टी में रहना उचित नहीं है। मुकेश सहनी महागठबंधन में आए और सरकार बनाए। मॉनसून सत्र से विपक्ष का बायकॉट, तेजस्वी यादव का ऐलान। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार विधायकों के साथ मारपीट करने वाले अफसरों को बचाने में लगी है। तेजस्वी ने इस दौरान कहा कि अगर सरकार इस पर चर्चा नहीं करेगी तो हम सदन नहीं जाएंगे। मवेशियों का चारागाह बना, 1 करोड़ की लागत से तैयार बिहार का पंचायत भवन, आरजक तत्वों का जमता है डेरा। धौरैया प्रखंड के काठबन गांव बीरबलपुर में पंचायत सरकार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेकार पड़ी है। करीब 1 करोड़ की लागत से सनहौला जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर लाड़न नदी के किनारे 7 साल पहले बना काठबन गांव बीरबलपुर पंचायत सरकार भवन अब हाथी का दांत बनकर रह गया है। रखरखाव के अभाव में भवन जर्जर हो रहा है, परिसर गांव के मवेशियों का चारागाह बन गया है। बिहार शिक्षक नियोजन के मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी, अररिया के 9 पंचायतों की काउंसलिंग रद्द, विभाग गंभीर। पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक काउंसलिंग में अनियमितता की शिकायत के बाद अररिया जिले के 2 प्रखंडों के 9 पंचायतों का काउंसलिंग रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मेधा सूची में अनियमितता देखते ही अभ्यर्थियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया, जिस कारण 9 पंचायतों का काउंसलिंग रद्द कर दिया गया है। 16 महीने के बाद पटरी पर लौटी गरीब रथ एक्सप्रेस, दिल्ली जाने वाले लोगों को राहत। आनंद विहार दिल्ली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस 16 महीने बाद वापस पटरी पर परिचालन के लिए लौट आई है। इसका परिचालन सोमवार से विधिवत आरंभ हो गया। यह गाड़ी जयनगर से भाया दरभंगा होते हुए सप्ताह में 2 दिन सोमवार व शुक्रवार को चलेंगी। वहीं आनंद विहार से मंगलवार व शनिवार को इस ट्रेन का परिचालन होगा। 2.5 लाख क्वेसेक पानी बागमती और गंडक का बढ़ने लगा जलस्तर। नेपाल में रविवार की देर रात से हो रही तेज बारिश से जिले से गुजरने वाली गंडक और बागमती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में पानी का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज से सोमवार की सुबह 1,22,000 और दोपहर को 1,36,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ। सोमवार को भी जल ग्रहण क्षेत्र में अधिक बारिश होने की संभावना को देखते हुए नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि होने के अनुमान है। जल संसाधन विभाग ने मंगलवार से बागमती व गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार पंचायत चुनाव के लिए टोल फ्री नंबर जारी, सुझाव और सवाल के साथ। बिहार पंचायत
बिहार पंचायत चुनाव के लिए टोल फ्री नंबर जारी, सवाल और सुझाव के साथ शिकायत पर भी होगा एक्शन। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। सभी जिलों को दूसरे राज्यों से ईवीएम भी मुहैया कराया जाने लगा है। वहीं पंचायत चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए चुनाव आयोग अब नए तरीके आजमा रहा है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आम लोग चुनाव आयोग को सुझाव दे सकेंगे। आयोग द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। हंगामे के बीच तेजस्वी ने रखी दो मांग, विधायकों से मारपीट मामले में बहस हो, जातीय जनगणना के लिए बने कमेटी। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था। पहले दिन की तरह ही दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। पक्ष विपक्ष में तीखी तकरार हुई। इस बीच नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव ने 23 मार्च को विधायकों के साथ मारपीट और जातीय जनगणना को लेकर दो प्रस्ताव रखे। विधायकों से मारपीट मामले में दो पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हुई निलंबन की कार्यवाही को नाकाफी बताते हुए तेजस्वी ने कहा कि इस मामले में संसद में बहस होनी चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने सीएम की अगुवाई में विधानसभा की कमेटी के गठन की मांग की, जो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करें। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।